प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। वो शनिवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी के दौरे पर गए थे। पीएमओ के मुताबिक वो तेजस जेट की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी, जिसमें उनको विमान के अंदर देखा जा सकता है। इससे पहले मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। सबसे पहले विमान का पहला संस्करण 2016 में IAF में शामिल किया गया था। मोदी सरकार के तहत 83 LCA MK-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है और डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने LCA MK-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत की गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।